गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं काफ़ी समय बाद आज एक वीडियो बना रहा हूँ। बेसिकली अभी बाइक में मैंने सेकंड सर्विस कराई है, कल ही कराई है, और कल डेट थी 7th of March 2020। ये मेरी है कावासाकी निंजा 650 और मैं आपको दिखाता हूँ ये कितने किलोमीटर चल चुकी है। ये देखिए 4871 किलोमीटर चल चुकी है और इस बाइक को 7 महीने से ऊपर हो गया है जब मैंने ये परचेज़ की थी। अब मैं जनरल रिव्यू की बात करूँ तो बाइक कंट्रोल के हिसाब से और ड्राइवेबिलिटी के हिसाब से बहुत ही अच्छी है, ब्रेकिंग के हिसाब से बहुत अच्छी है और इसको चलाने का बहुत ही मज़ा आता है। ये मेरी बेटी बैठी है आन्या, इसको भी बहुत अच्छा लगता है बाइक पे ब्लूम ब्लूम करना। ठीक है आन्या, आन्या आपको ब्लूम ब्लूम करना अच्छा लगता है ना? अभी आन्या ब्लूम ब्लूम करेगी इस पे एक बारी। नहीं, आप इस पे ब्लूम ब्लूम करना एक बार। ठीक है करो, अभी करो ब्लूम ब्लूम। अब करो। अच्छा नहीं करना, मैं करूँ एक बारी फिर। अभी हम इसको बंद कर देते हैं। ठीक है ओके। अब इस पे बेसिक मैं क्वालिटी की बात करूं तो जो एक चीज़ इसमें मुझे ख़राब लगी वो ख़राब लगी थी इसकी पेंट क्वालिटी। आप ये देख सकते हैं छोटे छोटे निक्स, ये देखिए, ये यहाँ पे ब्लैक कलर था, ये निकल चुका है, ये यहाँ पे ब्लैक कलर था, ये निकल चुका है। ठीक है, और इसके अलावा मोर और लेस इसी तरह की पेंट जो है वो इन्हीं जगह से निकला है मेजरली। ये देखिए आप, यहाँ से पेंट निकल चुका है और बाकी ओवरऑल इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेसिक एक्सेसरीज़ जो छोटी मोटी, मैंने बाइक को स्टैंडर्ड ही रखा है लेकिन इसमें कुछ एक्सेसरीज़ हैं बेसिक जो मैंने बहुत ही बेसिक लगवाई थी। एक मैंने ये चार्जर लगाया मोबाइल का, ये देखिए, इस पे आप वायर डाल के इसको स्विच ऑन करते हैं तो ये चालू हो जाता है। ये मैंने एक रबर का है मोबाइल होल्डर, ये लगाया। इससे पहले मैंने एक प्लास्टिक का लिया था लेकिन वो काफ़ी लूज़ था और मोबाइल गिर जाता था। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, अमेज़न से मिलती है, आप ले सकते हैं इसे आराम से। इसके अलावा मैंने इसमें रेडिएटर गार्ड लगाया था, ये देखिए रेडिएटर गार्ड, ये आपकी बाइक के लिए बहुत ज़रूरी है लगाना क्योंकि रेडिएटर जो है वो काफ़ी डेलिकेट चीज़ है, अगर उस पर पत्थर बजे छोटा या कुछ भी हो जाए तो आपका बहुत नुकसान हो सकता है। इसके लिए बेटर है कि आप एक रेडिएटर गार्ड लगाएं। ये मैंने जीए ऑटो इंजीनियरिंग से लगवाया था, बहुत ही अच्छी कंपनी है और उनसे चीज़ें जल्दी भी मिल जाती हैं। इसके अलावा मैंने जीए ऑटो इंजीनियरिंग से एक पैडॉक स्टैंड मंगाया था ऑरेंज कलर का, वो मेरे पास अभी दिखाने के लिए नहीं है लेकिन बहुत अच्छा है, वो मुझे काफ़ी चीप भी पड़ा था, अराउंड 2400 का, जबकि आप कावासाकी के शोरूम से अगर पैडॉक स्टैंड लेंगे अदरवाइज़ तो वो 3500 या 5000 के आसपास आता है। ठीक है, बाकी ओवरऑल बाइक की क्वालिटी बहुत अच्छी है, मैं सबको एडवाइस करूँगा कि आप प्लीज़ ये बाइक ले सकते हैं और ज़रूर लीजिए। ये लगभग 7 लाख की पड़ती है ऑन रोड और अभी 2020 मॉडल ईयर भी आ गया है जिसमें पैनल पूरा डिजिटल है और बेसिक चीज़ें जो चेंजेस है वो डिजिटल पैनल का ही मुझे दिखा। उसके अलावा थोड़ा उसकी बिल्ड लगभग सेम ही है जैसी। तो अभी हम आपको बाय कहते हैं, मैं और मेरी बेटी आन्या। आन्या बाय बोलो, एक बारी बाय बोल दो। चलो बाय बाय, सी यू।